चलो फक मैन, ये ट्रक इतने बड़े बड़े जो सुबह के कैसे अंदर छोड़ते हैं। Hello friends, welcome back to channel. So today is the very last day of my this south ride. The currently time is 5:04. Let me start the bike to give cold start. First crank, bike get started. Finally, the day has arrived to end this beautiful ride. So distance from here we around 520 kilometers. So एक तरह की खुशी भी है और एक तरह का दुख भी है। खुशी इस बात की है कि finally after exactly 1 week I'm heading back to home missing my family my daughter and dukh is baat ka hai ki yaar ride khatam hone aa gayi yaar itne pyare din the jo 7 din jo maine bataya is ride ke upar alag alag states mein those are unforgettable memories of my life back to mumbai then back to office get yourself busy in work कुछ नहीं थोड़े ड्यूरेशन के बाद कुछ नई राइड प्लान करते हैं मार्केट ऑफ गारगोटी कूल मिस यू गारगोटी सी यू सून इट्स 5:07 और उजाला होने को अराउंड 1.5 घंटा है फ्रेंड्स इट्स फ्रीकिंग कोल्ड हियर मैन बहुत ठंडी लग रही है टेम्परेचर चेक किया था बिफोर लिविंग फ्रॉम होम 19 डिग्रीज दिखा रहा है बॉस और मैंने तो राइडिंग जैकेट के अंदर का लाइनर डाला ही नहीं क्योंकि दिन में यही जगह पे 38 डिग्री जाता है यार तो आई जस्ट थॉट क्यों डाले और यहाँ पे तो यार टोटल उल्टा गेम चल रहा है रात को सबसे कोल्ड और दिन में सबसे हाईएस्ट 64+ जाता हूँ तो बहुत ठंडी लग रही है कुछ नहीं थोड़े टाइम के बाद बॉडी एडजस्ट हो जाएगी गाड़ी भगानी तो पड़ेगी दोज वांट टू चेक आउट द हेडलाइट फ्लो ऑफ आरआर 310 यू कैन चेक इट आउट इट्स वेरी गुड चलो आई विल मीट यू अहेड सो फ्रेंड्स इट्स 5:58 दैट मीन घर से निकल के हमें 54 मिनट्स हुए एंड आई एम करेंटली कनेक्टेड एट NH4 अभी थोड़ा स्पीड ज़्यादा अचीव कर सकते हैं बट यार 70+ जाने के बाद बहुत ठंडी लग रही है हार्ट टोटल फ्रीज हो जाए अभी तक उजाला नहीं हुआ इट्स 6:22 सो फ्रेंड्स फर्स्ट टोल बूथ ऑफ टुडेज राइड मुंबई फ्रॉम हियर इज 372 अरे यार ब्रेक दबाने में इतना ठंडा लग रहा है ब्रेक लीवर इवन थ्रू ग्लोव्स वो भी लेदर ग्लोव्स चाय पीते हैं चाय इज मस्ट नीडेड सो फ्रेंड्स इट्स अराउंड 6:15 सो वी कंप्लीटेड अराउंड 45 किलोमीटर्स बहुत ठंडी है सो चाय तो बनती है यार सो आफ्टर दिस किनी टोल नाका देयर इज अ किनी टोल नाका वी डिसाइडेड टू हैव गरम गरम चाय टू गेट वार्म आवर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड सो चाय पीते और राइड कंटिन्यू करते सो फ्रेंड्स वी टूक अराउंड 20 मिनट्स ब्रेक ओवर देयर कराड इज 45 फ्रॉम हियर चला रहे थे तो वह बराबर हो गई थी बॉडी एडजस्ट ठंडी से अगर रुक के वापस चालू किया है तो अभी तो बहुत ज़्यादा लग रही है यार जब चाय के लिए रुके थे तो बात करते वक्त मुंह में से धुआं निकल रहा था तो आप इमेजिन कर लीजिए कितनी ठंडी होगी अभी धीरे धीरे उजाला हो रहा है सूरज भाई साहब अपनी गर्मी दे देंगे हमें मगर दोस्त 2 या 3 घंटे बाद उनकी गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तो भाई लोग सूरज भाई साहब आ गए बाहर ओहो फील्स गुड थोड़ी अभी गर्मी लगने को स्टार्ट होगी सो फ्रॉम हियर मुंबई इज 326 किलोमीटर एंड आई एम इन कराड सिटी बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर किया है बहुत अच्छा अराउंड 2 घंटा 6 मिनट हो गए हमको राइड स्टार्ट करके और हमने मोर देन 100 किलोमीटर्स क्रॉस किए है कॉन्स्टेंट 100+ बाइक चला रहा हूँ मैं
Mumbai 325, Satara 52, Pune is 163. What's this? Second toll booth of today's ride. क्यों भाई वाइकर लेन बंद करके रखी है? पगला गए हो का? क्या कर रहे हो? ई मटकी वाले बाबा, कितनी सारे मटकियां भरे हो? तो सूरज भाई साहब काफी ऊपर आ चुके हैं, अभी दर्शन हुए आपके प्रॉपरली। इतनी ठंडी में भी भाई कितने 100+ कॉन्सर्ट बगा रहा हूँ, उसके पीछे का राज बताऊँ मैं आपको? चलो बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ ठंडी मेरे दोनों भी हाथों नम हो चुके हैं, नम कुछ उसके अंदर फील ही नहीं आ रहा है। सो उसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ भाई, कॉन्सर्ट 110-111 के ऊपर भगा के, तो जो वाइब्रेशन मेरे हाथों को महसूस ही नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट 100+ स्पीड डिस्टेंस भी बहुत जल्दी कवर हो रहा है, जो मुझको पता है जैसे सूरज भाई साहब ऊपर आएंगे गर्मी लगने को चालू हो जाएगी, तो माइंड ही पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यार राइड के टाइम, जैसे लास्ट दो दिन में मुझे हो रहा है। इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, सर दुखने को चालू हो जाता है। Let's just look at this beauty. All over there mountains, mountains, mountains. Satara city is there. Inside 7 km. Look at this Satara 7. Mumbai is 279 km only. And time is 7:42. It's 7:50. Constant more than 125 chala hai. Jo tea break liya tha uske baad ruke nahi hum log. Mumbai from here is 270 only, Pune is 107 or 9, something like that. Let me show you the condition of the tire. Just look at this tire. Wow! Isn't it looking cool? Perfect black ho chuka hai, perfect black. I will call it a black beauty. Front tire bhi dikha deta aapko. फ्रेंड जस्ट नज़ारा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सब फॉक्स की चादर चढ़ी हुई है माउंटेन्स के ऊपर। वाव, यहाँ पे भी बहुत कूल है फ्रेंड्स। और एक बार देखिए फॉग की चादर, फॉग फॉग एवरीवेयर, माउंटेन्स के अंदर नीचे तक बैठा हुआ है। प्यारा नज़ारा है यार, सुपर्ब दिख रहा है। सो पेट्रोल भरा लेते हैं, लो फ्यूल की लाइट लग चुकी है और 63 किलोमीटर से जा सकती है बाइक, ऐसा बता रही है हमें हमारी RR 310। पेट्रोल रेट हो गया देखिए 78, अभी तक हम भर रहे थे 74 रुपीज़ में, 75 रुपीज़ में कर्नाटका तमिलनाडु। पेट्रोल लाइफ फील हियर इज 9.22 लीटर ऑफ 720 रुपीज़। Those who have not watched the this tunnels accidents video, I will drop the link in I button now. Check कर लीजिए। One of the live kind of accident which I predict. This tunnel is very dangerous. Now we will have breakfast at Vitthal Kamath. So friends, time for some breakfast. फ्रेंड्स मुंबई ने भी हमारा स्वागत किया है ट्रैफिक से। फक, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग डे टू एंटर इन मुंबई यार, रियली। सो फ्रेंड्स इट्स 12:46, देख लो, एंड आई एम स्टिल स्टक इन ट्रैफिक यार, मेरा मूड ही नहीं अभी हो रहा है इस वीडियो को फेस लॉक से एंड करो करके। इतना पसीना हो गया ना मेरा बॉडी पूरा, इतना गियर्स पहन के, इतना हेलमेट के अंदर पूरा पानी पानी हुआ है।
finally my dream ride finish. So friends, ये था अब तक का टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के व्लॉग्स. होप्स आप लोग को ये व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे. थैंक्स दोज ऑफ यू लाइक ऑल दिस वीडियोस. थैंक्स. अभी बात करते हैं टोटल और एक्सपेंस, पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ, ओवरऑल रहने का खाने का टोटल खर्चा कितना हुआ मैं बता देता हूँ. तो फ्यूल कॉस्ट कॉस्ट में अराउंड 13,780 रुपीज़, और जो रहने का और खाने का टोटल 8 दिन का जो कॉस्ट लगा मुझे अराउंड 10,400 रुपीज़. तो टोटल खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 24,200 रुपीज़ समथिंग हुआ है. सो दिस टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया ओवरऑल राइड कॉस्टेज में अराउंड 24,200 रुपीज़ ऑल्सो. सभी बात करते हैं माइलेज की. ओवरऑल मुझे माइलेज मिला इस राइड के ऊपर अराउंड इन बिटवीन 32 से 34 KMPL. दैट्स इट. उसके नीचे भी नहीं कभी आया, उसके ऊपर भी नहीं गया. मेजरली कम आया था एक दिन के लिए अराउंड जो केरला की जो राइड की थी, वहाँ पे स्टेट हाईवे नहीं था तो घड़ी घड़ी गियर्स अपशिफ्ट करने पड़ रहे थे, ट्रैफिक था. उस दिन इतना माइलेज मिला नहीं मुझे. सभी बात करते हैं रोड्स की. तो रोड्स सभी बात करते हैं ओवरऑल राइडिंग कंडीशंस की. तो रोड्स ओवरऑल हर एक जगह पे रोड्स बहुत अच्छे थे. उनसे भी स्टेट में मुझको बैड रोड्स मिले नहीं. बस द वे ऑफ राइडिंग स्टाइल जो है लोगों की स्टेट टू स्टेट वो चेंज होती गई. महाराष्ट्र में परफेक्ट था, कर्नाटका में भी बेस्ट था, बट जैसे मैं तमिलनाडु केरला में एंटर किया, वहाँ पे वे ऑफ ड्राइविंग ऑफ बस ट्रक्स एंड बाइक का भी ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत बैड था. वीडियोज में तो बता दिया मैंने उनकी राइडिंग कंडीशन कैसी है और कैसे उसको आप वर्कआउट कर सकते हो. सो इफ यू आर गोइंग टू डू द राइड इन तमिलनाडु एंड केरला स्टेट, आई विल सजेस्ट यू जस्ट बी केयरफुल. ऑल्सो ये जो राइड थी मेरी फर्स्ट राइड थी ऑन अपाचे RR310 8 डेज की. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा. बाइक की बात करते हैं तो बाइक ने मुझे कुछ तकलीफ नहीं दी. तो ओवरऑल राइड में 8 दिन की राइड जो 3,836 किलोमीटर की कंप्लीट राइड हुई, उसके अंदर बाइक ने मुझे जीरो प्रॉब्लम दिए. कुछ इशू नहीं है बाइक के ऊपर, जस्ट सीट के ऊपर और वर्क के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा था, वो तो मैंने फर्स्ट डे के व्लॉग में बता दिया था. भी आप बाइक कॉन्स्टेंट 100 के ऊपर चला रहे थे, हैंडल बार और सीट के ऊपर बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे थे और वो वाइब्रेशन मैंने फिक्स भी कर दिए. उसका भी व्लॉग अपने चैनल पर है, थर्ड सर्विसिंग का, देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन में आया रहेगा, देख सकते हो. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट इन ऑल ऑफ दिस टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया राइड व्लॉग्स. अगर आपको व्लॉग अच्छे रहेंगे तो यार लाइक बटन दबा दीजिए इस वीडियो को भी. सो अभी अब हमारे चैनल के ऊपर हैदराबाद के व्लॉग्स आएंगे और उसके बाद कोकण मालवण के व्लॉग्स आएंगे, और उसके बाद जैसे मैंने बता दिया है अराउंड एंड ऑफ मानसून देर विल बी 14 to 15 डेज बिग राइड कमिंग. सो फॉर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स ऑफ दैट राइड, आई विल रिक्वेस्ट यू स्टे सब्सक्राइब. सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.